नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी की पहली इकाई से तीसरी कविता निज भाषा यह लेकर आई हूँ। यह एक प्रकार का मात्रिक छंद है जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखते हैं, क्योंकि हम इसकी व्याख्या अर्थात इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं पहले के ही वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसके स्वाध्याय को जो शुरू कर रहे थे, इसका स्वाध्याय पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमको इसमें मौलिक सृजन दिया हुआ है। मौलिक सृजन के अंतर्गत हमको दिया है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। इस कथन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, यह हमारा सबसे पहला प्रश्न इसमें का बन रहा है। अब यह स्वमत में लिखने के लिए भी आपको आ सकता है। तो अब हमने जो यहाँ दिया है ना ये लाइन की निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति को मूल, तो ये हमारी इस निज भाषा कविता की पहली लाइनें हैं। अगर हम इस लाइन को देखें तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पहली ही लाइन यहाँ पे दिखती है हमको कविता की, है ना। तो जब हम इस कविता के इस बारे में लिखते हैं अपनी निज भाषा के बारे में, तो हमको जो एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें आपको दिया है वही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कि निज भाषा जो होती है वह मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि हमें जो है अपनी निज भाषा में अर्थात अपनी मातृभाषा में उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, उस भाषा की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से हम सब सब प्रकार से यानी हर तरह से जो है उन्नति कर सकते हैं। निज भाषा उन्नति है यानी खुद की भाषा की उन्नति से सब उन्नति को मूल, यानी इससे ही सब उन्नति का मूल पैदा होता है। यानी आगे भी हम कोई भी उन्नति करना चाहे तो निज भाषा हमें आती हो तो ही कर सकते हैं। तो जब तक हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती तब तक हम अपने मन की बात को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, और इसलिए हमें अपनी निज भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हमें जीवन में उन्नति करना है तो पहले हमें अपनी निज भाषा की उन्नति करना होगी, इसे देश विदेश में इसका प्रचार और प्रसार करना होगा, तब जाकर हम स्वयं उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस कथन की सार्थकता को स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो संभाषणीय के अंदर है कि हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर अपने वक्तृत्व में हिंदी भाषा का महत्व प्रस्तुत कीजिए। अपना वक्तृत्व यानी क्या, तो भाषण। भाषण में हमें क्या, किस भाषा पर भाषण देना है, किस चीज़ पर भाषण देना है, किस टॉपिक पर, कि हिंदी भाषा का महत्व। तो हम हिंदी भाषा के महत्व को इस तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तैयार करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी भाषा का महत्व। अब आप भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो भाषण देने के लिए सबसे पहले जब आप खड़े होंगे तो जितने भी वहाँ पर अतिथि को बुलाया हुआ है आपने, आपके प्राचार्य हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मित्र मैत्रीण हैं, जो स्कूलों के मित्र हैं, सहेलियाँ हैं, उन सबको आप जो है पहले उनको इंट्रोड्यूस करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए जो है इस समारोह में इस भाषण पर बोलेंगे, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे माननीय सभापति महोदय और महोदया जो भी है ना। तो आप जब खड़े होंगे, माननीय सभापति महोदय या महोदया, प्राचार्य एवं सभी अतिथिगण, मेरे अध्यापक एवं मित्रों, आज हिंदी दिवस समारोह में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मैं आपके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि आप भाषण देने के लिए खड़े हुए और आप इसमें हिंदी भाषा के महत्व को समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, तो सबसे पहले सबसे सुंदर बात यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम ये चीज से इसकी शुरुआत कर सकते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम हिंदुस्तानी हमारी भाषा पर गर्व करते हैं। हम क्या है, हिंदुस्तानी है ना, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदी हमारी भाषा है और हमें हमारी भाषा पर बहुत गर्व है। भारत के अधिकतर लोगों की मातृभाषा भी हिंदी ही है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भाषा है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब हमें इसको ये भी बताना है कि इस भाषा को कैसे लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। इसमें 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। एक सर्वे के अनुसार हिंदी भाषा को पूर्ण वैज्ञानिक भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर में जितनी लैंग्वेजेस लिखी जाती है उसमें हमारी हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे परिपूर्ण भाषा का सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी में अपनी भावनाओं को हम अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी रोज़मर्रा की बोलने की भाषा है। विश्व की 91
विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, यानी 91 विश्वविद्यालय ऐसे है जहाँ पर कि हिंदी पढ़ाई जाती है, यानी हिंदी के महत्व को हम इस बात से समझ सकते हैं कि बाहर के लोग भी हिंदी को कितना सम्मान देते हैं। संस्कृत भाषा को सरल करने के लिए हिंदी का जन्म हुआ था। पहले संस्कृत बोली जाती थी हिंदुस्तान में, है ना, आर्य आर्यव्रत बोल सकते हैं हम उसको, आर्यों के समय में जो है हिंदी बोली जाती थी। हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिया, परंतु संस्कृत जो कठिन भाषा थी तो उसको सरल रूप बनाने के लिए हमने हिंदी का जन्म किया और इसको राष्ट्रभाषा का गौरव दिया। परंतु फिर भी आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है, जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसके अंदर सिर्फ अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसका महत्व लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है, यानी गलतियां बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसी बोली जाती है वैसे ही सोची जाती है, समझी जाती है और लिखी भी जाती है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो जाते हैं और जो लेटर्स रहते हैं वो हम कुछ अलग लिखते हैं। जैसे साइकोलॉजी को हम पी से शुरू करते हैं ना, तो इस तरीके से उसमें कई त्रुटियां हो सकती है। लेकिन हिंदी हम जैसी बोलते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी लिखते हैं, जैसे वर्णों का उच्चारण होता है उसी उच्चारण के हिसाब से उसको लिखा जाता है। ये जैसी बोली जाती वैसे ही सोची समझी और लिखी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी का महत्व दुनिया को बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि हम वाजपेयी जी को देखते हैं जब भी वे विश्व सम्मेलन में वगैरह गए तब वहां पे उन्होंने हिंदी भाषा में ही भाषण दिए, और नरेंद्र मोदी भी हमारी हिंदी भाषा में ही भाषण देकर हिंदी के महत्व को दुनिया के सामने रख रहे हैं। आज हिंदी से प्रभावित होकर बाहर देश से लोग भारत में हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, यानी बाहर के लोग अब हिंदी भाषा से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे बता देंगे कि मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने निज भाषा या कविता लिखी ही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद, गुलजार, जावेद अख्तर, हरिवंश राय बच्चन आदि ऐसे नाम है जिन्होंने हिंदी को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। जिन्होंने 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत के संविधान ने इसे आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, है ना, इसलिए हम हिंदी भाषा के महत्व को इस रूप में हम बता सकते हैं। तो आपका ये जो हिंदी दिवस समारोह है इसके ऊपर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं पठनीय के अंदर। तो पठनीय में इतना कुछ है नहीं, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने वाले महान व्यक्तियों की जानकारी अंतर्जाल या पुस्तकालय से पढ़िए, तो ये सिर्फ आपको रीडिंग के लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ क्या दिया है। तो शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म याने क्या, तो युग्म याने कि जोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको अगर बोलते समय नहीं ध्यान रहे तो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं ना। तो शब्द युग्म, युग्म याने कि जोड़ा, यानी दो शब्दों का जो जोड़ा होता है उसे हम शब्द युग्म बोलते हैं। अब शब्द युग्म में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमको घर शब्द दिया हुआ है और बोला है कि इसके साथ में शब्द युग्म बना के और एक वाक्य लिखे। तो हमने घर के सामने जब घर लिख दिया तो इसकी एक घर घर की एक ही कहानी है, यह हमने इससे वाक्य बना दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि या तो जब शब्द युग्म होते या तो उनमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है या फिर वो शब्द विलोम शब्द भी होते हैं एक दूसरे के। जैसे ज्ञान है तो उसका विलोम हो गया अज्ञान, भला है तो उसका विलोम हो गया बुरा। फिर सजातीय भी शब्द उसमें होते हैं, जैसे प्रचार प्रसार एक ही जाति के उसके एक ही समान अर्थ के शब्द है। फिर भूख प्यास ये भी एक ही समान उसका भाव है ना, एक ही यानी सजातीय भाव वाले जो शब्द है। फिर यहाँ पे देखिए भोला भाला, अब भोला भाला जो शब्द है यहाँ पे हम देखते हैं भोला का तो कुछ अर्थ होता है लेकिन भाला का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात भोला जो है यह एक सार्थक शब्द है लेकिन भाला जो है यह निरर्थक शब्द है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई जो निरर्थक शब्द होते हैं वो सार्थक शब्दों के साथ में जब आते हैं तो वे अपने आप में सार्थकता ले लेते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ जो है वो निकल आता है। इसलिए निरर्थक और सार्थक इन शब्दों में भी शब्द युग्म को बनाया जाता है। अब देखते हैं घर घर, तो इसका वाक्य हमने बनाया घर घर की एक ही कहानी है। दूसरा है ज्ञान अज्ञान, हमने लिखा ज्ञान अज्ञान को जानने वाला ही विद्वान होता है। भला बुरा, तो कुछ नेता अपने मतलब के लिए दूसरे नेता को भला बुरा कहते रहते हैं, है ना। उसके बाद में प्रचार प्रसार, तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार विश्व में करना चाहिए। भूख प्यास, तो सोनू भूख प्यास भूलकर सीए की तैयारी में लग गई थी। उसके बाद में भोला भाला, भोले भाले व्यक्ति को सताना अच्छी बात नहीं है। जब हम भाला शब्द देखते हैं तो भाला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन जब वो भोला भाला भोले भाले मतलब भोला और भाला इसके भोले के साथ में आता है तो हमें समझ में आता है कि सामने वाला जो व्यक्ति वो एकदम सीधा साधा है। तो हम अभी
आपको ये निज भाषा जो कविता है इसका स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर पर कीजिए अच्छे से, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा, है ना। चलिए अब मैं अगला लेसन लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।